नमस्कार दोस्तों, कार कंपैरोज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त कौशल चौधरी और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मारुति की नई सिलारियो और रेनॉल्ट क्विड की विस्तृत तुलना। दोस्तों, क्विड विद सिलारियो का वीडियो हमारे चैनल का सबसे पहला वीडियो था, लेकिन वह अंग्रेजी में था। जब से हमने हिंदी वीडियोज बनाना शुरू किए हैं, तब से कई सारे दर्शकों ने उस वीडियोज को हिंदी में मांग की है, तो काश उनके लिए पेश है कार कंपैरोज का क्विड वर्सेस सिलारियो कंपैरिजन हिंदी में। तो दोस्तों, इन दोनों गाड़ियों के बीच का सबसे बड़ा फर्क है इनकी कीमत। जब रेनॉल्ट ने मार्केट में क्विड लॉन्च की थी, तब उसकी कीमत देखकर उसके प्रतिस्पर्धी हैरान हो गए थे। क्विड के टॉप एंड मैनुअल मॉडल की कीमत है 4,75,000 रुपए ऑन रोड दिल्ली। सिलारियो के टॉप एंड मैनुअल मॉडल ZXIO की कीमत है 5,75,000 रुपए, यानी कि क्विड से 1,00,000 रुपए ज्यादा। सिलारियो महंगी जरूर है, लेकिन उसमें कई सारे ऐसे फीचर्स हैं जो क्विड के टॉप एंड मॉडल में भी मौजूद नहीं है, जैसे ABS, पैसेंजर एयरबैग, स्टीयरिंग व्हील स्विचेस, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, रियर वॉश वाइप डिफॉल्ट, टिल्ट स्टीयरिंग और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिरर। वहीं क्विड में सिर्फ एक ऐसा फीचर था जो सिलारियो के ZXIO में मौजूद नहीं है, जो है उसका टच स्क्रीन। अगर दोस्तों हम सिलारियो के VXIO वेरिएंट की क्विड के टॉप एंड मॉडल से तुलना करते हैं, तो वह क्विड से सिर्फ 35,000 रुपये महंगी है, लेकिन उसमें क्विड से 3-4 ऐसे फीचर्स कम हैं, जो हैं सेंट्रल लॉकिंग का रिमोट, टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम विद ब्लूटूथ, FM, USB और AUX, फॉग लैंप्स और अलॉय व्हील्स। मगर सिलारियो के VXIO में भी दो महत्वपूर्ण फीचर्स हैं जो क्विड के टॉप एंड मॉडल में भी उपलब्ध नहीं है दोस्तों, जो है ABS और पैसेंजर एयरबैग। दोस्तों, दोनों गाड़ियों में ऑटोमेटिक गियर वाले मॉडल्स भी उपलब्ध हैं। क्विड का पेट्रोल ऑटोमेटिक मॉडल मैनुअल मॉडल से सिर्फ 30,000 रुपये महंगा है, वहीं सिलारियो के पेट्रोल ऑटोमेटिक मॉडल मैनुअल मॉडल से 50,000 रुपये महंगा। दोस्तों, दूसरा और सबसे बड़ा फर्क है दोनों गाड़ियों के उत्पादकों के टिकाऊपन और सर्विस के बीच का अंतर। दोस्तों, मारुति और रेनॉल्ट की गाड़ियों के टिकाऊपन में जमीन आसमान का फर्क है। टिकाऊपन के मामले में क्विड के ग्राहकों का अनुभव सिलारियो की तुलना में काफी खराब रहा है। क्विड ग्राहकों को गाड़ियों में छोटे मोटे बिगाड़ों का सामना करना पड़ता रहता है। इसके विपरीत सिलारियों के ग्राहकों को उनकी गाड़ी सालों साल बिना किसी बिगाड़ के चलती रहती है। सर्विस के मामले में भी दोनों उत्पादकों में बहुत अंतर है। मारुति के सर्विस सेंटर की कारीगरी और व्यवस्था भी रेनॉल्ट से काफ़ी अच्छी है। दोस्तों, मारुति के 2000 से अधिक सर्विस सेंटर देश के कोने कोने तक पहुँच चुके हैं। इसके विपरीत रेनॉल्ट के देश भर में सिर्फ 200 सर्विस सेंटर मौजूद है। इन सारी चीज़ों का असर सेकेंड हैंड मार्केट में साफ साफ दिखाई देता है। 5-7 साल इस्तेमाल के बाद सिलारियो क्विड से कम 50,000 रुपये बेहतर रिसेल वैल्यू जरूर दिलाती है। दोस्तों, तीसरा महत्वपूर्ण फर्क है दोनों गाड़ियों की अंदरूनी जगह और इंटीरियर्स में। सिलारियो क्विड से थोड़ी सी लंबी और चौड़ी और ऊंची गाड़ी है, उसमें क्विड से थोड़ी सी बेहतर इंटीरियर स्पेस उपलब्ध है। उसकी सीट भी क्विड से ज़्यादा सपोर्टिव है। सिलारियो की पिछली सीट क्विड से थोड़ी सी ज़्यादा चौड़ी है, उस पर क्विड के मुकाबले 3 यात्री ज़्यादा आराम से बैठ सकते हैं। सिलारियों के इंटीरियर्स भी क्विड से ज़्यादा आकर्षक और उच्च दर्जे के लगते हैं। सिर्फ बूट स्पेस के मामले में क्विड सिलारियों से बेहतर है। क्विड का 300 लीटर का बूट स्पेस सिलारियों के बूट स्पेस से लगभग 50 लीटर बड़ा है। दोस्तों, चौथा फर्क है दोनों गाड़ियों के पकड़ और संतुलन में। क्विड का ऊंचा ग्राउंड क्लियरेंस देखकर ग्राहकों को अक्सर ऐसी गलतफहमी हो जाती है कि वह गड्ढों और स्पीड ब्रेकर्स को सिलारियों से बेहतर सूख लेती है, लेकिन हकीकत में दोस्तों ऐसा नहीं है। सिलारियों का सस्पेंशन क्विड से ज़्यादा मजबूत है। उसके VXI और ऊपरी मॉडल्स में क्विड से 1 इंच बड़े पहिए और 10 mm चौड़े टायर्स भी मौजूद हैं। सिलारियों का वजन भी क्विड से 150 किलो भारी है। इस वजह से खुदरे रास्तों पर सिलारियों क्विड से ज़्यादा आरामदायक लगती है। क्विड का सस्पेंशन सिलारियों से नरम है, इस वजह से वह धीमी रफ्तार पर गड्ढों को काफ़ी अच्छे से सोख लेती है, लेकिन जैसे ही रफ्तार बढ़ने लगती है, वैसे ही क्विड गड्ढों पर उछलने लगती है और अपना संतुलन खोने लगती है। क्विड में बॉडी रोल यानी कि दाएं बाएं डोलने की प्रवृत्ति भी सिलारियों से ज़्यादा है। दोस्तों, इस वजह से वह मोड़ों पर अच्छी पकड़ नहीं बनाए रखती है। सिलारियों का सस्पेंशन क्विड से थोड़ा सा सख्त है, इसलिए वह मोड़ों पर काफ़ी अच्छी पकड़ और नियंत्रण बनाए रखती है। सिलारियों का स्टीयरिंग भी क्विड के स्टीयरिंग से ज़्यादा कड़ा है और तेज़ रफ्तार पर क्विड से ज़्यादा दोस्तों कॉन्फिडेंस भी देता है। दोस्तों, पाँचवा फर्क है दोनों गाड़ियों के इंजन और गियरबॉक्स। दोनों गाड़ियों में 1000 cc के 3-सिलेंडर पेट्रोल इंजन मौजूद हैं। दोनों में 68 हॉर्स पावर और लगभग 90 Nm का टॉर्क उपलब्ध है। सिलारियो क्विड से 100-150 किलो भारी होने के बावजूद दोनों गाड़ियों के पिकअप में कुछ खास अंतर नहीं है।
क्विड में 800 सीसी का इंजन भी उपलब्ध है जिसमें 54 हॉर्स पावर और 72 NM का टॉर्क उपलब्ध है। पिकअप के मामले में ये इंजन 1000 सीसी इंजन से कम नहीं है, मगर स्मूथनेस के मामले में सेलेरियो क्विड के दोनों मॉडल से साफ साफ बेहतर है। दोनों गाड़ियों में आधुनिक AMT ट्रांसमिशन वाले पेट्रोल ऑटोमेटिक पर्याय भी उपलब्ध है। रेनॉल्ट ने क्विड का AMT गियरबॉक्स बहुत ही लाजवाब ट्यून किया है। वह सेलेरियो के गियरबॉक्स के मुकाबले ज़्यादा तेजी से गियर बदलता है और साथ ही साथ सेलेरियो के गियरबॉक्स से ज़्यादा स्मूथ भी है। दोस्तों, छठा और सबसे छोटा फर्क है दोनों गाड़ियों के माइलेज। सेलेरियो के मैनुअल अथवा ऑटोमेटिक दोनों मॉडल्स का ARAI माइलेज है 23.1 किलोमीटर प्रति लीटर, जो 1000 सीसी वाली क्विड मैनुअल से 0.1 किलोमीटर प्रति लीटर ज़्यादा है और 800 सीसी वाली क्विड से 2 किलोमीटर प्रति लीटर कम है। लेकिन हमारे विश्लेषण के दौरान सेलेरियो मैनुअल का माइलेज 800 सीसी क्विड के बिल्कुल समान और 1000 सीसी क्विड से 1 किलोमीटर प्रति लीटर बेहतर है। दोस्तों, अब समय हो चुका है अंतिम निर्णय का। तो दोस्तों, अगर आप मैनुअल गियर वाली गाड़ी खरीदने का निश्चय कर चुके हैं तो आपके लिए सेलेरियो क्विड से बेहतर विकल्प है। इस बात में कोई संदेह नहीं है, सेलेरियो का टिकाऊपन, मारुति के लाजवाब सर्विस, उसकी रीसेल वैल्यू, उसका सीटिंग कंफर्ट, उसका माइलेज, उसकी मजबूती क्विड से साफ साफ बेहतर है। लेकिन क्विड का ऑटोमेटिक मॉडल बहुत ही बेहतरीन विकल्प है। उसकी स्मूथनेस, उसका पिकअप, उसकी लाजवाब सुविधा आपको हर रोज की क्लच गियरबॉक्स रगड़ने के झंझट से छुटकारा दिला सकती है। और तो और, वह समान फीचर्स वाली ऑटोमेटिक गियर सेलेरियो की ही नहीं बल्कि मैनुअल गियर सेलेरियो से भी सस्ता है। तो अगर आप अधिकतर शहरी सड़कों पर अपनी गाड़ी इस्तेमाल करने वाले हैं तो क्विड आपके लिए सेलेरियो से बेहतर विकल्प है। तो दोस्तों, अगर आपको नई सेलेरियो या क्विड का अन्य गाड़ियों के साथ कंपैरिजन वीडियो देखने में दिलचस्पी है तो लाइक करें, हमारे नए वीडियोज का नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करें और आपकी प्रतिक्रिया दर्ज करने के लिए नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन पर।